दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ। जिन लड़के और लड़कियों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, कोई न कोई अड़चने आ रही हैं, उम्र बीतती जा रही है, बहुत सारे उपाय भी आप कर चुके हैं, फिर भी कहीं पर रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है, कहीं पर शादी फिक्स नहीं हो रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज मैं एक ऐसा अचूक उपाय लेकर के आया हूँ, यदि ये उपाय बच्चे कर देते हैं तो विवाह को लेकर के जो भी समस्या चल रही हैं वो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। प्रिय दर्शकों, कई बार जन्म कुंडली में ऐसी कंडीशन बन जाती है, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो इतना पाप प्रभाव में आ जाता है कि कहीं रिश्ता फिक्स ही नहीं होता है। बातें चलेंगी, रिश्ते आएंगे, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और यदि रिश्ता हो भी जाएगा तो एंड में जाकर के टूटने की संभावना उसकी रहती है, या फिर रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, या फिर हमें अपने मन मुताबिक कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। कई बार हमारी तरफ से ना हो जाती है, कई बार सामने से ना हो जाती है, कुल मिलाकर के अड़चने आती ही रहती हैं। उम्र भी बीतती जाती है, 25 साल के हो जाते हैं, 28 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, 35 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पाती है। तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आप श्रद्धा से, नियम से, विश्वास से कर दीजिए, तो ये जो विवाह को लेकर के समस्याएं चल रही हैं इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपने 12 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन करना है। इस दिन पुष्य नक्षत्र आ रहा है और पुष्य नक्षत्र में कोई भी किया गया कार्य बहुत जल्द फलीभूत होता है। पुष्य नक्षत्र कोई साधारण नक्षत्र नहीं है, पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा बताया गया है। 27 नक्षत्र बताए गए हैं, 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र बताया गया है। इन सभी नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है पुष्य नक्षत्र को, और पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। तो प्रिय दर्शकों, कोई भी कार्य जिसका हमें लंबे समय तक लाभ लेना है तो पुष्य नक्षत्र में उसकी शुरुआत हम कर सकते हैं, लेकिन विवाह संस्कार संपन्न करना पुष्य नक्षत्र में निषेध बताया गया है। लेकिन विवाह के लिए यदि हम कोई उपाय करते हैं तो इसका तो लाभ हमें बहुत जल्द देखने को मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, पुष्य नक्षत्र 12 दिसंबर 2022 अर्थात सोमवार के दिन आ रहा है, इसी दिन ये उपाय आपने करना है। इस उपाय को करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, एक केले का पत्ता होना चाहिए और साथ में एक केसर की डिब्बी होनी चाहिए और थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच गंगा जल। तो प्रिय दर्शकों, एक दिन पहले ही एक केले का पत्ता आप अपने घर ले आइए और केसर भी इसी समय आप अपने घर ले आइए, शाम को ला करके अपने घर में रख दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले रंग के वस्त्र आप धारण कर लीजिए और पीले रंग का ही बैठने के लिए आसन भी आप ले लीजिए। जब आप बैठ रहे हैं तो आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, अर्थात नॉर्थ जोन की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और ये केले का पत्ता, ये केसर और गंगा जल लेकर के अपने पास बैठ जाइए। अब केले का पत्ता अपने सामने इस प्रकार से रखिए और उस केले के पत्ते पर ये जो केसर आप लेकर के आए हैं, ये केसर इस केले के पत्ते पर डाल लीजिए और एक चुटकी हल्दी भी आप इसमें डाल लीजिए। उसके बाद एक चम्मच गंगा जल की इसमें डाल लीजिए, इतना सा गंगा जल डालिए कि गंगा जल इधर उधर ना भागे, इसमें आराम से मिल जाए। उसके बाद आप अपने राइट हैंड की जो ये उंगली है इसे तर्जनी उंगली बोलते हैं, तर्जनी उंगली के साथ इस प्रकार से इसको मिलाना है, इसका एक घोल बनाना है, और जब आप ये घोल बना रहे हैं तो एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। प्रिय दर्शकों, मंत्र का जाप जब आप कर रहे हैं तो ये उंगली ऐसे ही इसमें हिलती रहनी चाहिए, किसी भी माला का
प्रयोग आपने नहीं करना है, किसी भी माला की सहायता आपने नहीं लेनी है। आपने पहले ही इस मंत्र का अभ्यास कर लेना है कि आप इस मंत्र को 108 बार जपने में कितना समय लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप इस मंत्र को 108 बार जपने में 5 मिनट लेते हैं, तो इसी प्रकार से सामने घड़ी रख लीजिए और 5 मिनट का टाइम सेट कर दीजिए और ये मंत्र आप जाप करते रहिए और इस उंगली को ऐसे घुमाते रहिए। जब 5 मिनट हो जाए तो समझ लेना कि ये 108 बार हो गया। तो ये 108 बार से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले ही हो जाए, 110 बार हो जाए, 120 बार हो जाए, चाहे ये 200 बार भी हो जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप 5 मिनट में 108 बार इसका जाप कर देते हैं, तो आप 6 मिनट तक घुमाते रहिए ताकि 108 से कम ना रहे, ज़्यादा भले ही हो जाए। मंत्र को आप स्क्रीन पर देख लीजिए और मैं इसका उच्चारण भी कर देता हूँ। इसी प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार कम से कम करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये घोल तैयार हो जाता है। इस घोल को आप उसी डिब्बे में डाल लीजिए जिस डिब्बे में आप केसर लेके आए थे, या फिर किसी और डिब्बे में भी इसको आप डाल सकते हैं, किसी भी पात्र में आप इसको डाल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये घोल बन गया। इस घोल से अब आपने 21 दिन लगातार अपने मस्तक पर तिलक करना है। कौन सी उंगली से? ये जो उंगली होती है अनामिका उंगली, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, इसको बोलते हैं। इस उंगली के साथ हर रोज अपने मस्तक पर तिलक करना है और ये तिलक करने के बाद कम से कम ये तिलक 15 मिनट तक मस्तक पर रहना चाहिए। यदि आप ऑफिस में जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि नहीं, हम तिलक लगा करके जाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो आप जल्दी उठ लीजिए और जल्दी नहा धोकर के सुबह इसको जल्दी लगा लीजिए और 15 से 20 मिनट तक आप अपने घर में ही रहिए। उसके बाद जब आप जाएं तो अपना मुंह धोकर के चले जाइए, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, 21 दिन तक ये तिलक आपने हर रोज अपने मस्तक पर लगाना है। बस इतना सा उपाय आप कर दीजिए तो प्रिय दर्शकों, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आपके विवाह में चल रही हो, वो दूर हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की बताने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि समझ में ना आए तो कॉमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, रिप्लाई देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।